वेल हेलो गाइस, दिस इज दीप खान बैक विद अनदर वीडियो। और आज मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि जैसे कि हमारा देश एक टफ पीरियड से गुजर रहा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पीएम रिलीफ फंड में थोड़ा से थोड़ा डोनेशन दें। और अगर आप अपने पास से कुछ करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ करिए, क्योंकि ये टाइम है यूनिटी का और सबके साथ का। अगर हम साथ चलेंगे तो इस बीमारी को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे और एक दूसरे के तकलीफ़ों को भी ख़त्म कर देंगे। और मैं एक रिक्वेस्ट और करूँगा, अगर आपके घर के बाहर कुछ स्ट्रे डॉग्स हैं या कोई भी स्ट्रे एनिमल है, तो आप उसे कुछ खाना दे दीजिए, क्योंकि उनको खिलाने वाले इस वक्त बहुत कम हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और आज की वीडियो है बैक, बाइसेप एंड लेग्स के बारे में। हमें वर्कआउट शुरू करने से पहले तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहली चीज़ है बकेट, फिर बैग और वेट। मेरे पास प्लेट्स हैं तो मैं उनका यूज़ करूँगा। आप ईटो का यूज़ करके उसे बैग के अंदर डालें और यूज़ करें। तो पहले एक्सरसाइज है हमारी बकेट कर्ल। ये हमारे बाइसेप के लिए एक्सरसाइज है। इसमें हमारा मसल ट्रेन हो रहा है, ब्रोकी आई हमारे बाइसेप के दो मसल में से एक मसल का नाम है। इसे हम स्लोली परफॉर्म करेंगे। स्लोली परफॉर्म करने से इसे हमारा मसल टू माइंड कनेक्शन अच्छा होगा और मसल में कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा। इसमें हम 10 रेपिटेशन के 4 सेट मारेंगे दोनों हाथों से। फॉर्म बिल्कुल स्टेबल रखेंगे, ज़्यादा जर्क नहीं लेंगे मूवमेंट में। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम ट्रेन करेंगे रिवर्स बाइसेप कर्ल। इसमें हमारे दो मसल ट्रेन होंगे, ब्रोकी ऑलिस एंड ब्रोकी रेडियोलिस। ब्रोकी ऑलिस आपके बाइसेप के मसल का नाम है और ब्रोकी रेडियोलिस आपके फोरआर्म के मसल का नाम है। इसमें भी हम 10 रेपिटेशन 4 सेट लेंगे दोनों हाथों से। अपने मूवमेंट स्लो रखेंगे और स्लोली इसे परफॉर्म करेंगे। दूसरे हाथ से भी हम इसे स्लोली परफॉर्म करेंगे और इसमें भी हम 10 रेपिटेशन के 4 सेट मारेंगे। बकेट में पानी होने की वजह से बकेट थोड़ी अनस्टेबल होगी, लेकिन आपको कोशिश करना है आप इसे एक स्टेबल फॉर्म में मारें। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है बकेट श्रग्स। इसमें हमारे ट्रेपीजियस मसल ट्रेन होंगे और इससे भी हमें 10 रेपिटेशन के 4 सेट परफॉर्म करने हैं और मूवमेंट हमें बिल्कुल स्लो लेनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है बकेट रोइंग। इसमें हम अपने पोस्टीरियर डेल्ट, अपने लैटिसिमस डोर्साई, अपने ब्रोकियोलिस और रोम्बॉइड मसल को ट्रेन कर रहे हैं। पोस्टीरियर डेल्ट आपके शोल्डर के मसल का एंड वाला हेड है, लैटिसिमस डोर्साई आपके विंग का नाम है और ब्रोकियोलिस आपके बाइसेप के मसल का नाम है और रोम्बॉइड आपकी बैक के बीच में एक मसल है उसका नाम है। इसे भी हम 4 सेट 10-10 रेपिटेशन दोनों हाथों से ट्रेन करेंगे और स्लोली परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी सर्किट ट्रेनिंग है, तो इसमें हम एक पूरा सर्किट परफॉर्म करके रेस्ट लेंगे। पहली एक्सरसाइज हमारी स्क्वाट्स है। इसमें हम 10 से 12 रेपिटेशन करेंगे और उसे अच्छे से परफॉर्म करेंगे और बैक में एक आर्च रखेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी लंजेस। लंजेस में आप अपने घुटनों को आप अपनी एड़ियों के पास लेके जाएंगे और अपने बैक को थोड़ा आगे की तरफ रखेंगे, जिससे आपके लंजेस की मूवमेंट बिल्कुल सही होगी। हम एक पैर से 10 रेपिटेशन मारेंगे, उसी तरह दूसरे पैर से 10 रेपिटेशन। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी जंपिंग स्क्वाट। ये एक्सरसाइज टफ है, तो आप इसमें 5 से 10 रेपिटेशन ले सकते हैं वेटेड बैग के साथ अपने, और ये एक्सरसाइज बहुत थकाती है। इस एक्सरसाइज ने मुझे भी अच्छा खासा थका दिया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी सुमो स्क्वाट, जो आपके ग्लूटियस मैक्सिमस, आपके क्वाड्रिसेप्स और आपके हैम्स को ट्रेन करेगी। इसके भी आपको 10 से 12 रेपिटेशन लेने हैं और जब आपका एक सर्किट पूरा हो जाए तो आपको एक मिनट का रेस्ट लेना है और फिर इस सर्किट को 3 से 4 बार रिपीट करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज एक इंडिविजुअल एक्सरसाइज है काफ की, जो काफ रेज है, जिसमें आप अपना वेटेड बैग पहन के इसे परफॉर्म करेंगे और इसमें आप 10 रेपिटेशन के 4 सेट मारेंगे। तो ये थी हमारी लास्ट एक्सरसाइज।
और इस एक्सरसाइज के बाद हमारा वर्कआउट पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। और मेरा लास्ट में आप लोगों को एक मैसेज है, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ आप लोग स्ट्रे एनिमल्स को कुछ ना कुछ खाने के लिए दीजिए, क्योंकि इस वक्त उनको खाना डालने वाले बहुत कम लोग हैं, और जितना हो सके आप हेल्प करें। थैंक यू।